बसमिल अबानीम आज हम सवाल करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है उसकी टाइप्स क्या होती हैं सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर जो है ए सीरीज़ ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड ए प्रोग्राम एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ होती है जो एक स्पेसिफ़िक टास्क को परफॉर्म करें उसे हम प्रोग्राम कहते हैं और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर इंडिकेट्स दी हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर व्हाट टू डू बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने क्या करना है सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इन टू थ्री टाइप्स इसको हमने थ्री टाइप्स में कैटेगराइज uh, किया हुआ है तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं जी देर आर टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नंबर वन पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर सेकंड पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये देखिए इस फ्लो चार्ट नजर आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे बट इस सॉफ्टवेयर इसकी टू टाइप्स है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है नंबर सेकंड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं क्या करते हैं यानी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं सिस्टम को मैनेजमेंट करते हैं उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और नंबर सेकंड पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज सॉफ्टवेयर आते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं पहले नंबर पर हम करते हैं वॉट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंसट ऑफ प्रोग्राम्स डेट कंट्रोल दी ऑपरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऐसे प्रोग्राम पर मुश्तम होते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं और इसकी जो डिवाइस होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं सर्व्स एज सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं ये इंटरफेस के तौर पर काम करते हैं यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलिंग टाइप्स इसकी मदजर टाइप्स है इसके में हम क्या करते हैं नंबर वन पे है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और नंबर सेकंड पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं हम करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर कोऑर्डिनेट्स आल कंप्यूटर डिवाइस यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और तमाम डिवाइसेस में आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है में रता पैदा करता है प्रोवाइड इंटरफेस इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है एंड अलो यूजर टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसकी बदौलत जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं वैन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है या कॉपीड होता है मेमोरी में जिसे हम रैम कहते हैं उसमें आपका ओ होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसे हम विंडोज़ कहते हैं वो आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है इट रज इन मेमोरी वाइल द कंप्यूटर इज़ रनिंग जब तक कंप्यूटर रनिंग में रहता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी में मौजूद रहता है एंड अलोज यू और आपको इजाजत देता है टू कम्युनिकेट कि बातचीत करें कंप्यूटर के साथ एंड अदर सॉफ्टवेयर के साथ और दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ यानी फिर जो है आप जो है अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में मौजूद रहेगा नंबर सेकंड पे आते हैं जी यूडीटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं यूडीटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं विच यूज टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक टास्क एक मखसूस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग ए कंप्यूटर आमतौर पर एक कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए इट्स डिवाइस इसकी डिवाइस को आर इट्स प्रोग्राम या इसके प्रोग्राम को एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज एन अन इंस्टॉलर विच रिमूव ए प्रोग्राम डेट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर जो आपने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है उसके उस अन इंस्टॉलर यह करेगा उसको रिमूव करेगा उसकी जो एसोसिएटेड फाइल्स होती हैं उनको भी रिमूव करेगा सम ऑफ ऑफ टाइप्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिस्कस बिलो कुछ जो है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो हम आपको बता देते हैं नंबर वन पे है जी अनंस्टॉलर क्या होता है अन इंस्टॉलर इज सॉफ्टवेयर डेट रिमूवज़ एन एप्लीकेशन एज वेल एज एनी एसोसिएटेड इंट्रीज इन द सिस्टम फाइल्स यानी आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि अन एक प्रोग्राम है जो क्या करता है किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ उसकी एसोसिएटेड फाइल्स होती हैं उनको भी ये रिमूव कर देता है नंबर दो पे है डिस्क स्कैनर जो है वो क्या होता है डिस्क स्कैनर जो है ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिटेक्ट्स एंड बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑन ए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क एंड सर्च फॉर एंड रिमूव ऑन अनवांटेड फॉल्स यानी डिस्क स्कैनर क्या करेगा बेसिकली डिटेक्ट करेगा डिटेक्ट करेगा फिर इसके बाद उन्हें करेक्ट भी करेगा फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम जो फिजिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिटेक्ट भी करेगा और उसको करेक्ट भी करेगा साथ ही साथ वो हार्ड डिस्क के हों या फ्लॉपी डिस्क के हों और सर्च करे सर्च फॉर एंड रिमूव अनवांटेड फाइल्स जो अनवांटेड फाइल्स है और उसको ये रिमूव भी करेगा नंबर थर्ड पे आते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या होता है वैन ए कंप्यूटर स्टोर डाटा ऑन ए डिस्क इट प्लेसिस द डेटा इन द फर्स्ट अवेलेबल सेक्टर ऑन द डिस्क जब हम हम कोई कंप्यूटर जो है वो डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर करता है तो वो देखता है डेटा को कहाँ रखे वो फर्स्ट अवेलेबल सेक्टर देखता है हार्ड डिस्क में तो वहाँ पर उसको प्लेस करता है तो डिस्क डी फ्रेगमेंटर जो है वो यू डी सॉफ्टवेयर है डेट रिकेगनाइज द फाइल ऑन अन यूज स्पेस ऑन ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो क्या करता है देखता है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में अनयूज स्पेस कहाँ कहाँ पर मौजूद है उनको रिकेगनाइज करता है ये सो डेटा कैन बी असेस्ड मोर क्विकली ताकि डेटा जो है वो आसानी से तेजी के साथ हम असेस भी कर सकें एंड प्रोग्राम्स कैन रन फास्टर और प्रोग्राम आपके तेजी से रन भी हो सकें तो बेसिकली डिस्क फ्रेगमेंटर जो है वो उसने ये काम करना है बेसिकली हार्ड डिस्क में मुख्य सेक्टर्स हैं आपका डेटा जो मुख्तु सेक्टर में स्टोर है एक सेक्टर एक सेक्टर में ट्रैक बने हुए हैं इसमें क्या करना है डिस्क डिफ्रेगमेंटर ने कि तो उसको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं डेटा को फिर जो आपकी स्पेस जो बच जाएगी इस तरह उसको पता होगा भाई डेटा आपका यहाँ पे स्टोर है तो उसको असेस करने में आसानी होगी इसे कहते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं इसकी पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंक्लूड हैं एम एस ऑफिस इंक्लूड्स वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर डेटा बेस सॉफ्टवेयर अलोज यू टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अरेंजड नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स एंड ऑफन इज यूज फॉर बजटिंग फॉरकास्टिंग एंड अदर फिनशियल टास्क देखें जी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम तो हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह एम एस ऑफिस है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ल्ड जिसे कहते हैं आप वो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी कोई भी जो है अगर आपने को लेटर लिखना है कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं इसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे हम एक्सेल कहते हैं उसमें कोई हिसाब किताब आपने करना है कोई बजट का कर, काम करना है बजटिंग के लिए हम इसको चूज़ करते हैं जो एक्सेल को तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास जो है नंबर वन पे पैकेज सॉफ़्टवेयर है नंबर दो पे कस्टम सॉफ्टवेयर है नंबर तीन पे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है और नंबर फाइव फो, फोर पे जो है वो फ्रीवेयर है और नंबर फाइव पे, पे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है अब हम बात इनको कर लेते हैं जी इसको डिटेल से पढ़ते हैं नंबर वन पे है पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है पैकेज सॉफ्टवेयर जो है इज डिज़ाइंड टू मीट द नीड्स ऑफ ए वाइड वरायटी ऑफ यूजर्स यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास वाइड वरायटी ऑफ यूजर्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड जस्ट नॉट जस्ट ए सिंगल यूजर और कंपनी यानी इसमें सिंगल यूजर नहीं आएगा या कंपनी ही नहीं आएगी जिस तरह हमारा ऑफिस uh, है ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सब लोगों की जरूरियात को पूरा करते हैं इट इज़ यूजरी बेस्ड ऑन जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ यूजर्स जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स है उनकी जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है उसको उसकी बेस के ऊपर ये सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर को समटाइम इज़ कॉल्ड कमर्शल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं बिकॉज़ यू कैन परचेज़ दीज प्रोग्राम्स ऑफ़ शेल्फ़ फ़्राम सॉफ्टवेयर वेंडर्स अब सॉफ्टवेयर वेंडर्स ये कंप्यूटर ये जो प्रोग्राम हैं इनको परचेज़ कर सकते हैं यू कैन आल्सो परचेज पैकेज सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट से भी परचेज कर सकते हैं नंबर दो पे आते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएँ उसे हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर जैसे नादरा है पी है पैकेज सॉफ्टवेयर कैन नॉट मीट दी नीड्स ऑफ लॉर्ज ऑर्गेनाइजेशन जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो लॉर्ज ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा नहीं करते हैं जरूरियात को पूरा नहीं करते हैं बिकॉज दोज ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड एंड मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फॉलो देअर ओन कन्वेंशनज और आपको ये पता होना चाहिए हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और वो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अपनी कन्वेन्शन होती हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है विच रिक्वायर हुज मोडिफिकेशन वाई यूजिंग पैकेज सॉफ्टवेयर अगर वो पैकेज सॉफ्टवेयर को यूज यूज़ करते हैं तो उनमें मोडिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तीन पे शेयर वे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं शेयर वेयर सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फॉर ए ट्रायल पीरियड एक ट्रायल पीरियड होता है उसके लिए बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे आपको इफ यू वॉन्ट टू यूज ए शेयर वेस प्रोग्राम बियॉन्ड दैट पीरियड ऑफ टाइम यू आर एक्सपेक्टेड टू सेंड पेमेंट टू द पर्सन और कंपनी डे डिवेल्प दिस प्रोग्राम तो अगर आप इस जो 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 आपको ट्रायल पेरियड दिया गया है इसके बाद इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट जो है करनी पड़ेगी उस कंपनी को या उस शख्स को जिसने ये, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है अपॉन सेंडिंग दिसमॉल फीस द डिवेल्पर रजिस्टर यू टू तो रिसीव सर्वस असटेंस एंड अपडेट तो आपको वो स्मॉल फीस की हवस जो है स्मॉल फीस आप पे करोगे उसके बेस के ऊपर वो आपको सर्वस असटेंट भी प्रोवाइड करेगा और अपडेट भी आपको प्रोवाइड करेगा नंबर फोर पे है जी फ्री वेयर सॉफ्टवेयर क्या होती है फ्री वेयर इज़ सॉफ्टवेयर डेट इज़ प्रोवाइडेड एट नो कास्ट टू एन इंडिविजुअल यूजर आर ए कंपनी यानी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं ऑल तो कॉपी राइट्स ऑफ फ्री वेयर सॉफ्टवेयर रिजर्व एट सॉफ्टवेयर डेवलपर जो इसके कापी राइट्स होते हैं वो कंपनी को रिजर्व होते हैं मीनिंग यू कैन नॉट री सेल इट एज योर ओन यानी आप इसे आप री सेल नहीं कर सकते इसे नंबर फाइव पे है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज़ एंड हैज़ नो कॉपी राइट रिस्ट्रिक्शन ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे और इसके कॉपी राइट की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी एग्जाम्पल्स क्या हैं शेयरवेयर की एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरवेयर फ्री वेयर एंड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंटी वायरस एंड गेम्स हैं ये जो है एंटीवायरस और गेम जो हैं ये इसमें आ जाते हैं शेयरवेयर में आ जाते हैं फ्रीवेयर में और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की जो एग्जाम्पल्स हैं तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया जी आपका आ, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बर वक्त जो है इसके नोटिफिकेशन जो हैं आपको मिल जाएँ थैंक्स